नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, इसके साथ बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप आगे किस तरह के वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कौन सा ऐसा विषय है जो आप खुद इस प्लेटफॉर्म के जरिए देखना चाहते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात NSIC की कर रहे थे यानी कि जिसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, और अगर हिंदी में बात करूं तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो ये जो है NSIC, ये MSME के अंतर्गत आती है। अब ये NSIC का इतिहास क्या है, NSIC आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है और इसका बिजनेस से क्या लेना देना है, ये ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि आज आपको बड़ी सारी चीज़ें ऐसी पता लगने वाली हैं जो शायद अब तक आप नहीं जानते थे या फिर बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। कुछ कुछ पता था, कुछ कुछ पता बाकी चलना था, तो आज इस वीडियो के जरिए वो तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं NSIC से, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का इतिहास। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की स्थापना 1955 में हुई। पहले वर्ष से ही इन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने देश विदेश में अपना काम शुरू कर दिया। इस फाइनेंशियल कंडीशन, मार्केटिंग, कच्चा माल वितरण, स्कीमें और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम आदि के कार्य करता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अनेक सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग के विकास में सहायता करता है और प्रोडक्ट बेचने और निर्यात बढ़ाने में मदद करता है। लघु उद्योग निगम सर्विस केंद्रों के जरिए में अपना कार्य सुचारू रूप से चलाता है। इन तमाम कार्यों के अलावा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के मुख्य रूप से कारोबार करने वाले कारोबारियों की ट्रेनिंग और इंक्यूबेशन करने का कार्य होता है। NSIC का कार्य व्यावसायिक जनशक्ति को बढ़ावा देना है, इसके लिए ये कई तरह के पैकेज उपलब्ध कराता है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जहां विभिन्न कोर्स के बारे में जानकारी दी जाती है, साथ ही ट्रेनिंग भी दी जाती है जिससे लोग अपना बिजनेस दुकान खोल सकें। यहां फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर, अकाउंटिंग कंप्यूटर, हार्डवेयर, IT टूल्स एवं एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, AC रेफ्रिजरेटर एवं वाटर कूलर रिपेयर जैसे कोर्सेज में निःशुल्क ट्रेनिंग देकर रोजगार के लायक बनाना और रोजगार के अवसरों से अवगत कराना है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन अपने यहां चला रहे ट्रेनिंग कोर्सेज वाले युवाओं के लिए समय समय पर रोजगार शिविरों का आयोजन कर नौकरी दिलाने में भी मदद कर रहा है। यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप आवेदन फॉर्म ट्रेनिंग सेंटर कनेट से प्राप्त कर सकते हैं। कोर्सेज के लिए न्यूनतम योग्यता 8वीं या 10वीं पास है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कनेट से अब तक तकरीबन 1500 छात्र प्रशिक्षण पा चुके हैं, जिनमें लगभग 62% महिलाएं, 45% युवा स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। NSIC का उद्देश्य बेरोजगारों के अंदर से उनके कौशल को बाहर निकालना है, उनके कौशल को सही से तराशना और उन्हें रोजगार के अवसर देना है जिससे छात्रों के साथ साथ क्षेत्र का भी विकास हो सके। इस बीच छात्रों को उनका बिजनेस शुरू करने की भी जानकारी दी जाती है, साथ ही अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कैसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सेवाएं उपलब्ध कराता है? नई नई टेक्निक्स को अपनाने के लिए परामर्श देना, मान्यता प्राप्त लेबोरेटरीज के माध्यम से सामग्री जांच की सुविधा देना, मशीनिंग, EDM, CNC आदि में कॉमन सुविधा सहायता देना, चयनित केंद्रों पर ऊर्जा तथा पर्यावरण सेवाएं प्रदान करना, कौशल उन्नयन के लिए क्लासरूम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ब्रांच एवं सर्विस केंद्र कहाँ कहाँ है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के सेवाएं केंद्र और ब्रांच देश में कहाँ कहाँ है, आपको इस बारे में यहाँ जानकारी मिल सकती है। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको दी जा चुकी हैं। ब्रांच का नाम, सर्विस केंद्र एरिया चेन्नई, चमड़ा और फुटवेयर, हावड़ा जनरल इंजीनियरिंग, हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक तथा कंप्यूटर एप्लीकेशन, नई दिल्ली मशीन टूल्स और उनसे जुड़े कार्य, राजकोट ऊर्जा ऑडिट तथा ऊर्जा संरक्षण कार्यकलाप, राजपुरा घरेलू बिजली के उपकरण, अलीगढ़ ताला क्लस्टर तथा डाई एवं टूल मेकिंग, नीमका जनरल इंजीनियरिंग। NSIC रजिस्ट्रेशन की फीस। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में किसी भी उद्योग का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फीस जमा कराना होती है। आप इससे जुड़ी फीस यहां देख सकते हैं, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल्स दी गई हैं। करोड़ टर्नओवर वाले कारोबार के लिए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 की फीस देनी होती है। इस रजिस्ट्रेशन में स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट
परचेज करती है जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जा सकता है और इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट स्टेब्लिश किया जा सके। यदि किसी कारोबार का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए तक है तो सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत 5,000 रुपए देने होंगे। यदि किसी के कारोबार का टर्नओवर 1 करोड़ है या अधिक है तो प्रथम 1 करोड़ पर 5,000 रुपए देने होंगे और बाद में हर करोड़ पर 2,000 तक देना होगा। रजिस्ट्रेशन फीस में टैक्स शामिल नहीं होता है, इसलिए टैक्स के पैसे अलग से एप्लीकेबल होते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यदि आप किसी भी तरह का एडिट या संशोधन कराते हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में दी गई रकम की आधी रकम फीस के रूप में फिर से देनी होगी। अगर आप अपने NSIC सर्टिफिकेट को रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपसे रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 50% तक चार्ज किया जाएगा। उद्योग का योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 5,000 रुपए फीस के रूप में अलग से देनी होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को NSIC रजिस्ट्रेशन की फीस में 20% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। कुटीर यानी कि माइक्रो उद्योग के निरीक्षण के लिए 6,000 और लघु यानी कि स्मॉल बिजनेस के निरीक्षण के लिए 8,000 फीस अलग से देनी होगी। NSIC में रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं आप नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। NSIC का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। NSIC में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले NSIC की वेबसाइट पर जाना होगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं। वेबसाइट खुलने के बाद ऑनलाइन अप्लाई करें और बटन क्लिक करें। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। अब सिर्फ आपको फॉर्म में मांगी गई जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन्हें दस्तावेजों के साथ अटैच करना है। NSIC का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरकर और जरूरी दस्तावेजों को एकत्रित करके राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के नजदीकी कार्यालय में जमा करना होगा। NSIC का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये हमने आपको NSIC को पूरे विस्तार से बताया और साथ ही साथ आपको बताया कि NSIC के तमाम पहलू क्या हैं, इसे समझना क्यों ज़रूरी था, बिजनेस में इसका क्या लेना देना है, इतिहास क्या है इसका, MSME और NSIC का क्या संबंध है आपस में। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप NSIC को अच्छे से समझ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल बाकी है तो कमेंट सेक्शन है ना आपके लिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना सवाल और जवाब देने को हम तैयार हैं। कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, किसी भी तरह की कोई आशंका अपने मन में मत रखिए बिजनेस को लेकर, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पूरी पूंजी आप इन्वेस्ट कर देते हैं इस कारण कि आने वाला समय जो है वो अच्छा हो, लेकिन बिजनेस में एक चूक भी आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसलिए कोई भी सवाल है आप इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर लिखिएगा, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।